एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस इज मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। सो गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे। और बेसिकली आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बेसिकली बात करने वाले हैं, ये एक तरीके से डिमांडेड टॉपिक है। आप बोल सकते हो कि ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। हमारे व्यूअर में से एक व्यूअर है जो जानना चाहते हैं कि अगर अपने इन्वायरमेंट में VSphere 6.5 या VSphere 6.7 लगा है तो उसमें कैसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच को कॉन्फ़िगर करें, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का मीनिंग क्या होता है, कौन से स्टेप ऐसे फॉलो करने पड़ते हैं जिससे हम अपनी जो वर्चुअल मशीन है, अपने जो होस्ट है, उनको डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच से कनेक्ट कर सकें। मीन्स तो आप समझ सकते हो कि ये जो टॉपिक है, ये हमारा VMware 6.7 पे कैसे आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर उसमें अपनी वर्चुअल मशीन को अटैच करते हैं। तो ये पूरी तरीके से नेटवर्किंग पे बेस्ड है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी रिक्वेस्ट है या आप कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक पे जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आप बताइए हमें कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आई विल ट्राई टू क्रिएट वीडियो फॉर यू एज वेल। ठीक है, तो साथ ही साथ हम अभी स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। डायरेक्टली देखते हैं पोर्टल पे कि कैसे अपना डिस्ट्रीब्यूटर स्विच क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिलता है कंप्लीट पैकेज, आपको क्लाउड से रिलेटेड कंप्लीट पैकेज, आपको वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड मल्टीपल वीडियो, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, अमेजॉन है, एज्यूर है या फिर गूगल क्लाउड की बात करें, इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट हमने क्रिएट कर रखी है। और हर एक प्लेलिस्ट में आपके पास 20-25 वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें कम है उसमें हम क्रिएट करके अपलोड कर रहे हैं। तो मींस आपको हर जगह सर्च करने की नीड नहीं है या अलग अलग चैनल सर्च करने की नीड नहीं है। अपने पास एक ही चैनल पे, एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे आप हर तरीके की वीडियो पा सकते हैं, वो भी बिना स्किप किए हुए। सारे स्टेप आपको डिफाइन किए हैं हमने। अगर आप चेक करेंगे तो आपको कोई भी जो स्टेप है वो स्किप नहीं है। आप एक तरफ हमारी वीडियो को ओपन करिए, दूसरी तरफ अपने एज्योर या AWS पोर्टल को ओपन करिए, अब देख करके अपना प्रैक्टिकल खुद इंप्लीमेंट करिए, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप हमें कमेंट करिए, हम मॉडिफाई करेंगे और उसमें कुछ और भी यूनिक मेंशन करने की कोशिश करेंगे। डन, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। चलते हैं हम डायरेक्टली अपने VSphere क्लाइंट के अप्लायंस पे और अप्लायंस पे देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है क्या, या डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के अलावा भी कोई स्विच होती है अपने नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर। तो यस, अगर हम VMware वर्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो दो तरीके हैं अपने पास नेटवर्क को मैनेज करने के लिए, राइट। एक तरीका यह है कि आप अपने एनवायरनमेंट को स्टैंडर्ड स्विच के थ्रू कॉन्फिगर कर लें। दूसरा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच तो है ही अपने पास, जो vCenter सर्वर का पार्ट है। बेस से देखते हैं, जीरो ग्राउंड से देखते हैं, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर होती रहें, राइट। तो जाहिर सी बात है, एक जब हम लोकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, एक नॉर्मल बेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें जब नेटवर्किंग की बात आती है तो हमें डिवाइसेस, हमें रिसोर्सेज, हमें केबल या आप कनेक्टर्स की नीड पड़ती है, जिसके थ्रू हम अपनी मशीनों को, जो फिजिकल मशीनें अवेलेबल हैं, उनको कम्युनिकेट कराने का काम करते हैं, राइट। आपको स्विच खरीदना पड़ेगा, राउटर लगाने पड़ेंगे या फायरवॉल लगाना पड़ेगा, देन कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ केबल। आप हर एक मशीन को केबल के थ्रू कनेक्ट करते थे, राइट। कनेक्ट करने के बाद IP कॉन्फ़िगर करना, फिर उनको आपस में पिंग कराना। ये तो इन्वायरमेंट की बात हो गई, जब आपके पास बेस इन्वायरमेंट है। अगर यहीं पे अपना इन्वायरमेंट वर्चुअलाइजेशन में कॉन्फ़िगर किया गया है, मीन्स आप बोल सकते हो कि अगर अपना इन्वायरमेंट जो है VMware 6.5 या 6.7 पे अवेलेबल है, तो उसके अंदर नेटवर्किंग हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी तरीके से उसी के बेस्ड है, उसी के ऊपर आधारित है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कितने तरीके की नेटवर्किंग होती है। मेन मोटो रहेगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच को कॉन्फ़िगर करना, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बाद में, पहले आपको स्टैंडर्ड स्विच के बारे में पता होना चाहिए, राइट। टोटल अगर हम नेटवर्क की बात करें, अगर VMware नेटवर्क इन्वायरमेंट की बात करें, तो दो तरीके की स्विच आपको मिलने वाली है, एक स्टैंडर्ड और दूसरी जो अपने पास स्विच है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, राइट। तो जानने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड स्विच कब इस्तेमाल करते हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का इस्तेमाल कब करते हैं। तो आप इसको DB स्विच के नाम से भी जानते हैं, राइट। अब कोशिश करते हैं समझने की डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्या है या स्टैंडर्ड स्विच क्या है। तो एज पर द नेम, स्टैंडर्ड स्विच के केस में क्या होता है कि जब आप अपने इन्वायरमेंट में, क्योंकि अपना इन्वायरमेंट एक स्टेप बाई स्टेप से तैयार होता है, पहले आप ESXi कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद डोमेन लगाते हैं, फिर शेयर स्टोरेज मैनेज करते हैं, फिर अप्लायंस में जाकर के आप अपने vCenter सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड स्विच है, जो स्टैंडर्ड स्विच की हम बात कर रहे हैं, वो स्टैंडर्ड स्विच आपको कब मिलता है, जब आप अपने इन्वायरमेंट में एक ESXi इंस्टॉल कर दिए, राइट। तो एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आपने एक ये ESXi होस्ट आपने लगाया, ठीक है, ये आपने एक ESXi होस्ट लगाया और ESXi होस्ट को वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस किया, या आपने फॉर एग्जाम्पल वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस किया। एक्सेस करने के बाद जब आप उसके नेटवर्क पार्ट में जाएंगे या नेटवर्क वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, तो आपको एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, वो रहेगा स्टैंडर्ड स्विच,
राइट right? और उस स्टैंडर्ड स्विच की हेल्प से अब जो वर्चुअल मशीन उसके अंदर अवेलेबल है, मान लीजिए इस ESXi होस्ट के अंदर 5 से 10 वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इन वर्चुअल मशीन्स को विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्विच कम्युनिकेट करा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्विच कॉन्फिगर कर सकते हैं, राइट right? अगर आपके एनवायरनमेंट में दूसरा ESXi होस्ट है या 2-3 ESXi होस्ट है, तो आपको हर एक ESXi होस्ट में जाकर के उनकी स्विच को देखना पड़ेगा, उनकी स्विच को कॉन्फिगर करना पड़ेगा, राइट right? तो आप ये बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड स्विच जो बेसिकली होता है पार्ट अपना, वो इंडिविजुअल ESXi होस्ट के अंदर अवेलेबल रहता है। अगर आपके पास 10 ESXi होस्ट है, तो आपको 10 ESXi होस्ट के अंदर जाके उनको कॉन्फिगर करना पड़ेगा। बट अगर यहीं पे हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का जो एनवायरनमेंट बनेगा, जैसे अपने इन्वायरमेंट में मल्टीपल ESXi होस्ट अवेलेबल है, 3 से 5, 10 या 12 कितने भी ESXi होस्ट है, मतलब मल्टीपल ESXi होस्ट अवेलेबल है, आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के केस में आप अपने होस्ट को पहले अटैच करेंगे, राइट आप पहले जितने भी वर्चुअल मशीन तो का तो स्टेप सेकेंड है, पहले आप अपने होस्ट को कनेक्ट कराओगे किससे, DB स्विच से। जितने भी ESXi होस्ट आप कनेक्ट कराना चाहते हैं, उनके अंदर की वर्चुअल मशीन को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, उनको सबसे पहले आप अपने DB स्विच में कनेक्ट कराएंगे। ये हमने अभी जितने भी ESXi होस्ट थे, उन ESXi होस्ट को हमने क्या किया, अपने DB स्विच के साथ कनेक्ट कराया, राइट right? अब जब अपने पास ESXi होस्ट कनेक्ट हो गए, तो इसके अंदर जो वर्चुअल मशीन अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे कुछ VMs अवेलेबल है, सेकेंड ESXi पे कुछ वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल हैं, या फिर थर्ड ESXi पे कुछ VMs अवेलेबल हैं, DB स्विच आपको ऑप्शन देता है कि आपकी जो सेपरेट सेपरेट VMs पर हैं, सेपरेट सेपरेट ESXi में जो VMs अवेलेबल हैं, उन VM का कनेक्शन आप अपने डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच से कर सकते हैं। एक छोटा एग्जांपल, आपको एक ग्रुप बनाना है, HR ग्रुप बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे एक HR का ग्रुप बनाना है, HR डिपार्टमेंट के लिए नेटवर्किंग करनी है, बट डिमांड क्या है कि एक वर्चुअल मशीन आप ESXi 1 से, एक वर्चुअल मशीन आप ESXi 2 से, एक वर्चुअल मशीन आप ESXi 3 से एक्सेस कराना चाहते हैं। और ध्यान रखना है, ये जो ग्रुप है ये सिर्फ आपस में पिंग करेंगे, इसके अलावा इनके अंदर जो भी वर्चुअल मशीन है इनको कम्युनिकेट नहीं करेगी। तीनों वर्चुअल मशीन सेपरेट ESXi होस्ट से आ रही हैं, जो कि आप HR ग्रुप बनाया या VLAN बनाया या पोर्ट ग्रुप बनाया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो अभी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। इनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। ध्यान रखना है, आपकी जो VMs आ रही है अलग अलग ESXi होस्ट से आ रही है, तो इस तरीके की नेटवर्किंग के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटर स्विच की रिक्वायरमेंट होती है, राइट अगर हम बात करें यहाँ पे ESXi, सेम ESXi की बात करें, यहाँ पे कुछ वर्चुअल मशीन, यहाँ पे कुछ VM, यहाँ पे कुछ VM, और उसको आप स्टैंडर्ड स्विच के थ्रू कॉन्फिगर करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के केस में क्या होता है, आप पोर्ट ग्रुप बनाते हो, पोर्ट ग्रुप को ही हम VLAN बोलते हैं, और पोर्ट ग्रुप के थ्रू आप अपनी वर्चुअल मशीन के नेटवर्क को सेग्रीगेट कर लेते हैं, डन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हुई, ये बेसिक डिटेल हुई कि आप अपने इन्वायरमेंट में, अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट के केस में क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं स्टैंडर्ड स्विच की हेल्प से और डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की हेल्प से। नेक्स्ट प्रैक्टिकल दिखाते हैं हम आपको कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। हम यहाँ पे एक एजेंडा बना के चलते हैं। अभी अपने पास जो सेटअप हमने बना रखा है उसमें क्या है, अपने पास एक वी सेंटर सर्वर है, ठीक है, अप्लायंस है, और उसमें हमने क्या रखा है, 2 ESXi होस्ट रखे हैं, राइट और 4 VMs अवेलेबल है। ये अपने पास सेटअप है। हम इन सेटअप का क्या करना चाहते हैं, नेटवर्क डिज़ाइन करना चाहते हैं, इनकी हम नेटवर्किंग करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। इनको हम कॉन्फिगर करेंगे विद द हेल्प ऑफ DB स्विच, राइट। तो ये एजेंडा हो गया, इस पर हम काम करने वाले हैं, राइट विद द हेल्प ऑफ DB स्विच हम इनको डिज़ाइन करने वाले हैं। तो डायरेक्टली चलते हैं अपने पोर्टल पे, इन्वेंट्री पे चलते हैं, वी स्पेयर क्लाइंट के, ये वी सेंटर सर्वर की इन्वेंट्री पे, और चेक करते हैं कि क्या है इनका कॉन्सेप्ट। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये अपने पास लैब है, ऑनलाइन लैब है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उतना, क्योंकि इसके लिए कम से कम आपके पास 24 GB से 32 GB की रैम होनी चाहिए, एक CPU अच्छा होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली Core i5 या Core i7, और स्टोरेज में भी एटलीस्ट 1 TB के आसपास स्टोरेज है, तो आप अच्छे तरीके से आप अपना सेटअप बना पाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास 4 GB की रैम है, इंटरनेट है, तो आप डायरेक्टली पोर्टल पे अपने आप को साइन अप करके ये लैब क्रिएट कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्री है 1.5 घंटे के लिए, आप एक बार लॉगिन करते हैं तो ये आपकी लैब 1.5 घंटे तक काम करती है।
हम आपको डिस्क्राइब करेंगे, इस पे एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच देख लेते हैं कि एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच हमारी काम कैसे करती है, राइट right? तो बेसिकली ये अपने पास इन्वायरमेंट है, हम इस इन्वायरमेंट पे काम करने वाले हैं। हमने 20 पे क्लाइंट पे क्लिक किया, ये अपने पास अप्लायंस है 20 सेंटर सर्वर का। अब पहले देखते हैं कि अपना जो इन्वायरमेंट अवेलेबल है ना, जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो होस्ट एंड क्लस्टर पे चलते हैं। होस्ट एंड क्लस्टर पे क्लिक किया तो ये अपने पास डिटेल आ रही है, जिसमें से आपके जो डेटा सेंटर है, चलो मैम इनको रीनेम कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने के लिए। यहाँ पे हम अपना जो डेटा सेंटर है उसको हम नाम दे दे रहे हैं ट्रेनिंग, ठीक है, ये अपने डेटा सेंटर का नाम हो गया। और साथ ही साथ इसके अंदर जो ये क्लस्टर बना है तो ठीक है, क्लस्टर को भी रीनेम कर देते हैं, और क्लस्टर का नाम हम यहाँ पे दे देते हैं क्लास क्लस्टर, ठीक है ना, ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना करने में आसानी हो। हमने यहाँ पे नाम दे दिया क्लास क्लस्टर, डन। दो ही सक्सेसफुल होस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है, तो दो ही सक्सेसफुल होस्ट अवेलेबल है। ये अभी हम ऐसे ही कैरी कर लेते हैं, ठीक है, ई सक्सेसफुल 01A, ई सक्सेसफुल 02A, कोड डॉट लोकल, कोड डॉट लोकल। तो ये इन्वायरमेंट अपने पास एग्जिस्टिंग है। अगर हम थोड़ा सा इसकी नेटवर्किंग पे देखें तो देखते हैं नेटवर्किंग कैसा है। अगर हम बाय डिफॉल्ट ESXi होस्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, ESXi होस्ट पे क्लिक किया, और अगर आप नेटवर्क पे क्लिक करते हो तो ये जो नेटवर्क इन्वायरमेंट है, ये आप देखो यहाँ पे नेटवर्क जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच से कनेक्टेड है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का नाम है रीजन A01A, बट ये डिफॉल्ट है। हम क्या प्लान कर रहे हैं कि हम अपना खुद का नेटवर्क बनाएं, खुद की डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्रिएट करेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच से अपने ESXi होस्ट को जोड़ेंगे और साथ ही साथ उनकी वर्चुअल मशीन को भी कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे, कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, राइट। तो नेटवर्क इस्टैब्लिश करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आइकन देखो तो एक छोटा सा आइकन दिखाई पड़ रहा है नेटवर्किंग। आप इस आइकन पर यहाँ से भी जा सकते हैं, 20 पे वेब क्लाइंट पे क्लिक किया और यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन है, आप डायरेक्टली नेटवर्क पे क्लिक करेंगे। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद ये ट्रेनिंग डेटा सेंटर हो गया हमारा, और ये आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है उसकी डिटेल है। क्लस्टर की डिटेल यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे डेटा सेंटर की डिटेल आएगी, और जो ये रीजन A0 समथिंग करके है, 1 करके है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का नेम है जो पहले से क्रिएटेड है, राइट। हम क्या प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे आप अपने डेटा सेंटर के ऊपर। आपको DB स्विच बनाना है तो आप हमेशा राइट क्लिक करेंगे डेटा सेंटर के ऊपर। आप देखो कई सारे ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, होस्ट का ऑप्शन है, क्लस्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहीं पर आपके पास क्या ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का, और यहाँ पर ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है न्यू वर्चुअल मशीन का। तो ठीक है, वर्चुअल मशीन भी बन सकती है, लेकिन अभी हम प्लान का क्या कर रहे हैं, एक नई डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच पे क्लिक करने पर दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और दूसरा ऑप्शन है इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच, राइट। इम्पोर्ट इन द सेंस कि अगर आपने पहले से कोई डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बना रखी है और आप उसको इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड के स्विच। डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का नाम हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हैं, लाइक एज DB स्विच का नेम कुछ भी दे देते हैं, टेस्ट, ठीक है, DB स्विच, ये अपने पास डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का नाम हो गया टेस्ट DB स्विच, टेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। आप इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वर्जन सेलेक्ट करना है 6.6 से लेकर के 6.7 या लेटर, उससे लेटेस्ट वर्जन। तो ठीक है, 6.7 पे हम काम कर रहे हैं तो 6.7। यहाँ पे अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो कॉन्फिगर सेटिंग की बात कर रहा है, जिसमें से पहला ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है नंबर ऑफ अपलिंक्स। तो एज पर द नेम द मीनिंग ऑफ अपलिंक इज बेसिकली जो आपके ESXi होस्ट में जो फिजिकल NIC निक कार्ड आपने लगा रखे हैं उसको हम अपलिंक बोलते हैं, राइट। तो 2, 3, 4 जितने भी आपने लगा रखे हैं उनको हम अपलिंक बोलते हैं। तो अभी हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर बना रहे हैं, कंटेनर इन द सेंस कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बना रहे हैं जिसमें हम अलाउ कर रहे हैं कितने, 4 निक कार्ड को, 4 NIC को, मीन्स 2 ESXi जोड़ेंगे तो दो दो ES, दो दो निक कार्ड एक NIC, एक एक ESXi में लग सकता है, राइट। यहाँ पे हम IOPS जो है इनपुट आउटपुट कंट्रोल जो है वो इनेबल कर देते हैं। ये पोर्ट ग्रुप, अगर आप चाहो तो यहाँ पे पोर्ट ग्रुप नेम को अभी चेंज कर सकते हो, या वर्चुअल स्विच बनने के बाद, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनने के बाद भी आप अपने अकॉर्डिंग मल्टीपल पोर्ट ग्रुप बना सकते हो। एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के अंदर मल्टीपल पोर्ट ग्रुप आप क्रिएट करेंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, तो वो अभी हम बाद में देखते हैं, अभी ये डिफॉल्ट वाला ही प्रोसीड कर लेते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, अपने नेटवर्किंग के पैनल में जाकर के डेटा सेंटर के ऊपर राइट क्लिक किया। डेटा सेंटर पे राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई पड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का,
डीबी स्विच पे राइट क्लिक करने के बाद हमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ा, क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच और एक दूसरा इंपोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच। तो हमने क्या किया, क्रिएट किया। और आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं इस पेज को, हमने एक डीबी स्विच बनाया जिस डीबी स्विच का नाम है अभी हमने क्या रखा है, डीबी टेस्ट स्विच। यह अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच क्रिएट हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे होस्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं तो कोई भी होस्ट अवेलेबल नहीं है। मीन्स आपकी डीबी स्विच तो क्रिएट हो गई बट उस डीबी स्विच पे ना एज पर द डायग्राम हम यहाँ पे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच तो बन गई लेकिन ये ESXi हमने नहीं अटैच किया। तो पहला काम क्या करना है, हमें डीबी स्विच बनाने के जस्ट बाद जितने भी ESXi होस्ट आपके एनवायरमेंट में हैं उस ESXi होस्ट को आप डीबी स्विच के साथ कनेक्ट कर लें, राइट। तो हम सेकेंड स्टेप में यही करने वाले हैं, सेकेंड स्टेप में जो भी ESXi होस्ट हैं, दो ESXi होस्ट हैं, उनको हम उठा करके इसमें मूव कराना चाहते हैं, राइट। तो मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इस डीबी स्विच के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ऐड एंड मैनेज होस्ट। ऐड एंड मैनेज होस्ट इन द सेंस कि अगर आपके पास पहले से होस्ट है तो मैनेज कर सकते हैं, नहीं होस्ट है तो ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, क्लिक करेंगे ऐड होस्ट, मैनेज होस्ट नेटवर्किंग, रिमूव होस्ट, तीनों ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। नेटवर्किंग कैसे मैनेज करेंगे क्योंकि अभी तो अपने पास होस्ट ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें, ऐड होस्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। ये आपके पास एक पैनल दिखाई पड़ रहा है जिसमें ये बोल रहा है कि न्यू होस्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, न्यू होस्ट पे क्लिक करते हैं और न्यू होस्ट पे क्लिक करने के बाद जितने भी होस्ट आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल है इस vCenter से जुड़े हुए हैं उनकी डिटेल्स आ गई, राइट। ये कनेक्टेड होस्ट दिखाई पड़ रहा है किससे, क्लस्टर से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, डेटा सेंटर से कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है। आप इनको चेक मार्क करो, जितने ESXi होस्ट जोड़ना है आप चेक मार्क करेंगे एंड ओके करेंगे। दो सक्सेसफुली होस्ट आपके दूसरी स्विच छोड़ करके, डिफॉल्ट स्विच छोड़ करके आपने जो स्विच क्रिएट किया उस स्विच में अवेलेबल हो गए। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक नेक्स्ट, नेक्स्ट करते हैं। ये पूरी इन्फॉर्मेशन, हमने चार NIC अटैच की थी, निक कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर स्विच बनाते समय चार अपलिंक की बात की थी। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दो निक कार्ड आपके किसके, ESXi 1 के साथ और दो NIC आपके ESXi 2 के साथ अटैच हुई है सक्सेसफुली, नो नीड टू डू एनीथिंग हियर। आप नेक्स्ट करेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। ये डिटेल्स बता रहा है आपके पास, जो इन्वायरमेंट में डिटेल है उसकी इन्फॉर्मेशन है, VM कर्नल की डिटेल है। नेक्स्ट करेंगे, माइग्रेट VM नेटवर्किंग बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, जो है आपका वो एज इट इज रखना चाहते हैं अभी हम, और रेडी टू कंप्लीट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपकी जो वर्चुअल मशीन थी या जो आपका ESXi होस्ट था वो आपके जो डिफॉल्ट वाली स्विच थी, ये डिफॉल्ट स्विच थी जो पहले से बनी थी, इस स्विच से आप ने क्या किया, आप इन दोनों ESXi को आप अपने स्विच से कनेक्ट करा दिया। देखो यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है, हमारी जो दोनों ESXi होस्ट हैं वो आपके स्टैंडर्ड डीबी स्विच में अवेलेबल हो गई। बट अब अभी हमें नेटवर्किंग भी करना है, वर्चुअल मशीन्स की नेटवर्किंग करना है। तो नेटवर्किंग करने के लिए मान लीजिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बनाना है, टोटल नंबर ऑफ VM है आपके पास चार, दो एक ESXi में, दो दूसरे भी ESXi में। हम यहाँ पे डिपार्टमेंट देखते हैं कि कौन कौन सा फीचर हमारी डीबी स्विच की प्रॉपर्टी में अवेलेबल है। अब स्टैंडर्ड डीबी स्विच के प्रॉपर्टी पे राइट क्लिक करते हैं, डीबी स्विच पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको पहला ऑप्शन दिखाई पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, उसके बाद एड होस्ट, एडिट नोट, अपग्रेड सेटिंग, ठीक है ना, कस्टम टैग वगैरह, इसकी ऑप्शन डिटेल में दिखाई पड़ रहे हैं। हमें यहाँ पे जाना है सेकेंड ऑप्शन पे। जब आप सेकेंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, न्यू पोर्ट ग्रुप है, इम्पोर्ट डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप है, मैनेज डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप है। तो अभी अपने पास स्टैंडर्ड स्विच में सिर्फ एक पोर्ट ग्रुप अवेलेबल है और वो पोर्ट ग्रुप है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो डिफॉल्ट है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच बनने के अपने आप वो डिसाइड हो गया था। हम यहाँ पे अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप बनाएंगे, आप इसको बोल दो VLAN बनाएंगे। तो पहला VLAN हमने डिसाइड किया कि ये बेसिकली हमने इसको नाम दे दिया VM कर्नल, ठीक है, और इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं किसके लिए, स्टोरेज के लिए। ये जो नेटवर्क होगा, ये इन्वायरमेंट जो होगा वो हम VM कर्नल के लिए इस्टेब्लिश यूज करने वाले हैं। सेकंड है कॉन्फ़िगर सेटिंग, कॉन्फ़िगर सेटिंग में अपने पास देखो नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो 8 है, मीन्स जो आपने VLAN डिसाइड किया है, जो आप पोर्ट ग्रुप बना रहे हो या VLAN बना रहे हो उससे नंबर ऑफ पोर्ट या नंबर ऑफ कनेक्टिविटी आप कितने दे सकते हो, 8 दे सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं।
एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हम अलग अलग डेटा सेंटर जोड़ना चाहते हैं तो आप नंबर ऑफ पोर्ट्स यहाँ पे डिसाइड कर लेंगे। ये है वीलैन टाइप, तीन तरीके के वीलैन आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वीलैन है, वीलैन ट्रंकिंग है और प्राइवेट वीलैन है, राइट। तो वीलैन इन द सेंस क्या होता है कि मान लीजिए आपने एक एचआर नाम का वीलैन बनाया, ठीक है, एचआर के नाम से वीलैन बनाया और पोर्ट नंबर आपने वीलैन आईडी आपने दो इस्तेमाल कर ली आफ्टर सम टाइम, और उस टाइम आपने छः पोर्ट इस्तेमाल किए थे लेकिन वो छः पोर्ट कंज्यूम हो चुके हैं, एचआर डिपार्टमेंट में टोटल नंबर ऑफ मशीन 10 हो गई, मतलब चार मशीनों के कनेक्ट होने की जगह नहीं है, तो आपने फिर से एक दूसरा एचआर पोर्ट एचआर बनाया, एचआर वीलैन बनाया और उसका भी जो आईडी है दो रखा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए वीलैन ट्रंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा वीलैन समझ लेते हैं, उम्मीद है आपको पहले से ही पता होगा लेकिन थोड़ा सा और समझ लेते हैं अभी। जैसे ये स्विच है अपने पास, ठीक है ना, फिजिकल के केस में समझते हैं वीलैन का कॉन्सेप्ट, और इस स्विच में ये फिजिकल स्विच मान लेते हैं, इस फिजिकल स्विच में 24 पोर्ट्स अवेलेबल है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ जो पोर्ट्स है यहाँ पे वो 24 पोर्ट अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिक्वायरमेंट है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, आप बोल सकते हो स्विच कितने पोर्ट की, 24 पोर्ट्स की इसमें अवेलेबल है। अब एक सिंगल 24 पोर्ट की स्विच, लेकिन आपने पास जो डिपार्टमेंट है ना वो डिपार्टमेंट कई थे हैं। अब मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट से डिमांड आ रही है, एचआर डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि मुझे एटलीस्ट 10 वीएम्स चाहिए या 10 मशीन चाहिए, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट में आपको देने हैं 6 वर्चुअल मशीन्स या 6 फिजिकल मशीन, और जो अपने पास अकाउंट का डिपार्टमेंट है ना, जो अकाउंट का डिपार्टमेंट है उसकी डिमांड है कि वो हम वो भी हमसे 10 मशीन या 8 मशीन की डिमांड कर रहा है, राइट। स्विच एक आपके पास और जो अपने पास डिपार्टमेंट है वो 3, राइट। तो इनके पोर्ट को सेग्रीगेट करने के लिए, इन पोर्ट इन डिपार्टमेंट की मशीनें आपस में कम्युनिकेट ना करने पाए, हम लोग क्या क्रिएट करते थे, पहले हम लोग कॉन्फिगर करते थे अपने पास वीलैन। तो हम क्या करते थे, एक वीलैन बनाया, उस वीलैन से कि एक आईडी डिसाइड कर दी, उसको हमने दे दिया नाम एचआर, फिर वीलैन 2 बनाया, राइट, उसकी आईडी हमने दे दी 2, उसको हमने नाम दे दिया सेल्स का, तो लाइक दैट। इसी तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट के लिए मल्टीपल वीलैंस बना सकते हैं। हाँ, इसमें जो आईडी है ना वो इम्पॉर्टेंट है, आपने एक बार आईडी डिसाइड कर ली 3, तो जो 3 के अंदर 8 पोर्ट है ना वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो 6 पोर्ट आपके वीलैन 2 में है उनका कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा, आल दो आप एक सिंगल स्विच का ही क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ब्लॉक कर देगा आपका वीलैन प्रोटोकॉल, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ वीलैन का, लेकिन इसमें एक छोटी सी बात आती है ट्रंकिंग की, राइट, वीलैन ट्रंकिंग की। तो बेसिकली जो वीलैन ट्रंक है, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, आपने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया एचआर का, ठीक है, और उस टाइम पे जब आपने डिपार्टमेंट क्रिएट किया तो उस केस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ पोर्ट था आपने डिसाइड कर लिया कितने, 6, और टोटल उस टाइम पे आपने 6 मशीनें जोड़ी थी, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद आपको लगता है रिक्वेस्ट पर, क्लाइंट की रिक्वेस्ट पे या फिर आप डिपार्टमेंट की रिक्वेस्ट पर वीलैन फॉर एचआर, इसका जो आपने पोर्ट रखा था 2 रखा था, और अगला वीलैन हमने बनाया ये भी एचआर के नाम से और इसका भी हमने पोर्ट नंबर 2 रखा, लेकिन 2 डिफरेंट वीलैन आपने क्रिएट कर दी। अब 2 डिफरेंट वीलैन को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीच में ट्रंक बनाना पड़ता है, मीन्स इनको दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए जब हम कराने चाहते हैं ना तो इनको बोलते हैं वीलैन ट्रंक की, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट होता है वीलैन ट्रंक का। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि वीलैन ट्रंकिंग के केस में ध्यान रखना वीलैन आईडी इसमें मायने रखती है, वीलैन आईडी सेम है लेकिन आपने 2 बार उसको कॉन्फिगर कर दिया एचआर के नाम से या किसी और नाम से, एचआर 2 के नाम से, एचआर 1 एचआर 2 के नाम से क्रिएट कर दिया, और बाद में आप उन सब दोनों मशीनों को, 6 मशीनें आपके वीलैन एचआर 1 में थी, 6 मशीन वीलैन एचआर 2 में थी, तो दोनों को कम्युनिकेट कराने के लिए हम क्या करते हैं ट्रंक दोनों में कॉन्फिगर करते हैं जिससे कम्युनिकेशन हो जाता है। अच्छा, एक ऑप्शन और है आपके पास प्राइवेट वीलैन। तो प्राइवेट वीलैन बेसिकली क्या करता है, प्राइवेट वीलैन होता है कलेक्शन ऑफ वीलैन। आपको लगता है कि
ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर इतने नंबर ऑफ विलेन बने हैं, तो आप स्कूल में क्या कर सकते हैं, अपने विलेन को कस्टमाइज करके प्राइवेट विलेन कर लेते हैं। हम यहाँ पे विलेन बनाने वाले पहले, और ये आप देखो जो जिस आईडी की हम बात कर रहे थे राइट, और ये विलेन टाइप हमने डिसाइड किया, ये विलेन आईडी की बात करें तो हम यहाँ पे आईडी डिसाइड कर दिए दो, डन, विलेन आईडी दो। नेक्स्ट करेंगे, और फिनिश कर देंगे। हमने एक विलेन बनाया, किस नाम से बनाया, यहाँ पे वीएम कर्नल स्टोरेज, एक विलेन आपने क्रिएट किया, ये अपना स्टोरेज मैनेज करेगा। दूसरा पोर्ट ग्रुप बनाते हैं, राइट क्लिक करेंगे सेम उसके ऊपर, सेम अपने डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के अंदर, पहला ही ऑप्शन दिखाई पड़ेगा आपको, क्रिएट न्यू डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट ग्रुप, नाम दे देते हैं यहाँ पे वीएम्स नेटवर्क, ठीक है। ये हमने जो नेटवर्क डिजाइन, ये हम जो नेटवर्क डिजाइन करते हैं वो वर्चुअल मशीन नेटवर्क के लिए है। नेक्स्ट करेंगे, इसकी वीलैन आईडी हमने डिसाइड की, वीलैन पे क्लिक किया, और सेम प्रोसीजर इसकी वीलैन आईडी हमने डिसाइड कर ली चार। नेक्स्ट किया और फिनिश। अब अपने पास दो वीलैन, दो पोर्ट ग्रुप है, एक स्टैंडर्ड, एक डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच है, उसके अंदर हमने दो पोर्ट ग्रुप बना रखे हैं, एक वीएम कर्नल स्टोरेज के लिए, दूसरा हमने जो वीलैन बनाया या ग्रुप बनाया वो बेसिकली हमारी वर्चुअल मशीन को मैनेज करेगा। ये तो बेसिक स्टेप हुए, ये आपके कॉन्फ़िगरेशन हुए स्टैंडर्ड डीबी स्विच के अंदर। अब अपने पास जो वीएम्स है ना, उस वीएम को हम मूव कराना चाहते हैं कहाँ पे, वो उस वीएम को हम मूव करा करके रखना चाहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर स्विच के अंदर। तो हम क्या करेंगे, अब स्टेप ये है कि हाउ टू मूव अवर वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर स्विच। तो आप जाएंगे डेटा सेंटर पे, ये पहला ऑप्शन जो अपने पास दिखाई पड़ रहा है, वीएम्स यहाँ पे सभी अवेलेबल है, 1, 2, 3, 4 वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वीएम्स के ऊपर राइट क्लिक करना है, क्योंकि हमें इस वीएम को कम्युनिकेट कराना है, किससे कनेक्ट कराना है, अपने स्टैंडर्ड स्विच डीबी स्विच से। और क्लिक करने के बाद आप जाएंगे एडिट सेटिंग में, नॉर्मल एडिट सेटिंग में, जहाँ से आप चेंजेस करते हो, हार्ड डिस्क वगैरह अटैच करने का काम करते हैं। और आप देखो यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर दिखाई पड़ रहा है, राइट, नेटवर्क अडाप्टर के सामने कहाँ से कनेक्टेड है उसकी डिटेल दिखाई पड़ रही है। अब आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद, नेटवर्क अडाप्टर पे क्लिक करने के बाद ब्राउज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है आपको, ब्राउज के ऑप्शन पे जाएंगे, और ये आपको पूरे ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्ट आपने बना रखे हैं, कितने नंबर ऑफ पोर्ट ग्रुप आपने क्रिएट रखे हैं, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट आ गई। वीएम्स नेटवर्क, वीएम कर्नल स्टोरेज जो अभी हमने बनाया, राइट, और ये भी मोशन, ये तो पुराने हैं, ये अपने पास जो हमने बनाया, एक वीएम कर्नल बनाया, देखो आप यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है टेस्ट डीबी स्विच, टेस्ट डीबी स्विच, तो हम इसको रखना चाहते हैं अपने नेटवर्क में, किसमें, टेस्ट डीबी स्विच के अंदर जो वीएम नेटवर्क हमने क्रिएट किया था। आप सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, क्लियर, और इसको कर देंगे ओके। अब आपकी जो वर्चुअल मशीन है, जिस वर्चुअल मशीन पे आपने राइट क्लिक किया था F01A, वो सक्सेसफुली मूव हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच के पोर्ट ग्रुप वीएम नेटवर्क से, राइट। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वीएम को हम मूव करा सकते हैं, मान लीजिए KMS की बात कर लेते हैं, मशीन ऑन है अपनी, एडिट सेटिंग में जाएंगे हम, और एडिट सेटिंग पे जाने के बाद ये आपका नेटवर्क अडाप्टर सेलेक्ट करेंगे, नेटवर्क अडाप्टर ब्राउज पे क्लिक करेंगे, और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद वीएम नेटवर्क का सिलेक्शन जो आपने अभी क्रिएट किया था ओके करेंगे, और ओके कर देंगे। तो जो मशीनें अपनी, जो मशीनें आपकी आपके पोर्ट ग्रुप से अटैच हुई हैं वो सक्सेसफुली आपस में कम्युनिकेट करेंगे, जो मशीनें नहीं कनेक्ट हैं वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट हुआ अपने पास इस डीबी स्विच का, डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच का, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यू नो दैट कि जब हमारा ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है तो हम थोड़ा सा जो ध्यान नहीं दे पाते हैं उस पर्टिकुलर वीडियो पे, फिर वो बोर करने लगती है। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, इसको हम पार्ट में डिवाइड करते हैं। आप इतनी तैयारी करिए, इतने में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप पहले वीडियो देखिए, दो से तीन बार आप वीडियो चेक करिए, प्रॉपर तरीके से देखिए, कोशिश करिए रन करने की, फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप हमें कोऑर्डिनेट करिए, कमेंट करिए, फिर से हम देखेंगे आपका कमेंट, और आपके अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो आपने रिक्वेस्ट की कि हम आप हमारे लिए डिस्ट्रीब्यूटेड स्विच की वीडियो क्रिएट करो। ये पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम आपको और डिस्क्राइब करने वाले हैं कि कैसे स्टैंडर्ड डीबी स्विच में और जो सेटिंग्स अवेलेबल हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं, राइट। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे, अगर नेटवर्किंग वाले पार्ट में जाते हैं तो नेटवर्किंग पार्ट पे डीबी स्विच पे जाते हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, और कॉन्फ़िगरेशन टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी,
तो ये बेसिकली अपने पास इन्वायरमेंट है, हम इनकी बात कर रहे हैं जो सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कितने VMs हैं, वो इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन, ये दो वर्चुअल मशीन हमने मूव की, दोनों वर्चुअल मशीन की यहाँ पे डिटेल आ गई है, VMs अवेलेबल है अपने टेस्ट DB स्विच में। तो ये जो पार्ट्स हैं ना, इनके लिए हमें देना पड़ेगा करीब 30 से 35 मिनट का टाइम। तो उस केस में हम सेकेंड पार्ट में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं जल्दी और एक नई वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।